तो देखते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ वेक्टर्स। पहला वेक्टर है हमारे पास पोलर वेक्टर। जब हम किसी क्वांटिटी को उसके इनिशियल पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं तो हम उसके लिए इस्तेमाल करते हैं पोलर वेक्टर। पोलर वेक्टर के पास अपना डायरेक्शन होता है, और हम किसी क्वांटिटी को जब हम किसी भी क्वांटिटी को उसके ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे तो उसके लिए हम लगाएंगे पोलर वेक्टर। एक्सियल वेक्टर क्या करता है, जब कोई बॉडी रोटेट कर रही होती है तो उसके रोटेशन पे ध्यान देता है, उसके रोटेशन के बारे में बताता है। तो पहला हमारे पास है अगर पोलर वेक्टर, इट रिप्रेजेंट फ्रॉम द ओरिजिन ओरिजिन से आप किधर जा रहे हो ये उस चीज़ को बताएगा। अगर आप एक्सियल वेक्टर की बात करो तो एक्सियल वेक्टर में क्या होगा, ये आपको एक्सिस बताएगा। इट रिप्रेजेंट एक्सिस ऑफ रोटेटिंग ऑब्जेक्ट। अगर मान लो ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जो इस तरफ ऐसे रोटेट कर रहा है, तो आप अपने कर्लिंग फिंगर को रोटेशन के डायरेक्शन में रखोगे और थंब की डायरेक्शन जो होगी वो वेक्टर की डायरेक्शन दिखाएगी। तो ये वाला जो वेक्टर अब हम बना रहे हैं ये एक्सियल वेक्टर है जो रोटेशन को रिप्रेजेंट करता है। अगर एरो ऊपर है तो रोटेशन जो है वो इधर हो रहा है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। इसको क्या कौन सा मोशन बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। घड़ी ऐसे चलती है ना, ये इधर से चल रहा है। तो इसमें क्या करेंगे, ऐसे कर्लिंग फिंगर को रोटेशन के डायरेक्शन में रखेंगे और थंब जो रिप्रेजेंट करेगा वो डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा। और अगर ये इस तरीके से चल रहा होता तो इसका एरो नीचे आएगा, हाँ, तो अपर एरो नीचे एरो, इसमें अब ये ऐसे हो जाएगा तो थंब किधर आएगा, नीचे के तरफ। तो ये रोटेटिंग अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी है उसको रिप्रेजेंट करना है तो हम इस पे इससे रिप्रेजेंट करेंगे। तो जितनी हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर मोमेंटम वगैरह रिप्रेजेंट करते हैं तो हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन इस तरीके से दिया जाता है। और थर्ड है हमारे पास इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर का मतलब होता है जब दो वेक्टर हमारे पास सेम मैग्नीट्यूड के हों, सेम डायरेक्शन के हों, तो उसको हम कह देंगे इक्वल वेक्टर। दो वेक्टर दोनों सेम मैग्नीट्यूड और सेम डायरेक्शन के हों तो उसको हम इक्वल वेक्टर कहेंगे। सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। फोर्थ है हमारे पास नेगेटिव वेक्टर। मान लो एक वेक्टर तुम्हारा इधर के तरफ है, ठीक है, इसका नाम है ए वेक्टर। क्या नाम है, दूसरा वेक्टर तुम अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में बना देते हो तो उसका नाम हो जाएगा नेगेटिव वेक्टर, ना, ये नेगेटिव बी वेक्टर। ये नेगेटिव वेक्टर क्या होता है, जो ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो इसमें क्या होता है, डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है। इस केस में हमारी डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट हो जाती है। फिफ्थ है मॉडुलस ऑफ वेक्टर। मॉड में वेक्टर को लिखेंगे, ये वेक्टर का लिखने का तरीका है। अगर ये वेक्टर है तो इसको मॉड में लिखेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे मॉडुलस ऑफ वेक्टर, ये प्लस माइनस जो भी होगा वो आ जाएगा। अगर मॉड के अंदर क्वांटिटी माइनस है तो प्लस आ जाती है, प्लस है तो प्लस ही रहती है, तो इसको कहते हैं मॉडुलस ऑफ वेक्टर। सिक्स्थ है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना। यूनिट वेक्टर, यूनिट का मतलब होता है वन, ठीक है, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड वन हो, और ये यूज होता है टू शो द डायरेक्शन, ये रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन को। यूनिट वेक्टर ऐसा वेक्टर है जिसके पास मैग्नीट्यूड वन है, और जब उसके पास मैग्नीट्यूड वन है तो उसके पास केवल केवल डायरेक्शन बचेगा। वेक्टर क्वांटिटी क्या कहता है, जिसके पास मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों है उसको वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। तो जिसका मैग्नीट्यूड ही वन हो गया तो उस वेक्टर के पास बचा क्या, केवल डायरेक्शन बचा, तो उसको यूनिट वेक्टर बोलते हैं। तो अगर हम कोई भी वेक्टर क्वांटिटी लिखें तो वेक्टर क्वांटिटी को लिखते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, तो ये हो गया मैग्नीट्यूड। ये जो मॉड के अंदर चीज़ आती है क्या होती है,
मैग्नीट्यूड होती है, मैग्नीट्यूड के बाद डायरेक्शन लगाते हैं, डायरेक्शन लगाने के लिए ऐसे लिखते हैं ए के ऊपर कैप, ए के ऊपर क्या है कैप, इसको पढ़ते हैं ए कैप। ये वाला जो टर्म है यही आपका यूनिट डायरेक्शन यूनिट वेक्टर है। तो नॉर्मल वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड इज नोन एज यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर। अगर आप ऐसे भी लिखोगे कोई भी वेक्टर जो होगा वो क्या होगा, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, अगर आपको डायरेक्शन निकालना है तो आप क्या करोगे, वेक्टर को मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे, नहीं तो आपको क्या मिल जाएगा डायरेक्शन। जब वेक्टर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को डिवाइड करने के मल्टीप्लाई करने के बाद आता है तो आपको डायरेक्शन चाहिए, तो आप वेक्टर को मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो तो आपको अपने आप डायरेक्शन मिल जाएगा। और यूनिट वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड कितना होता है, वन, वो ऐसा वेक्टर है जिसके पास मैग्नीट्यूड वन है। अगला पॉइंट है कोलीनियर वेक्टर, सेवेंथ है कोलीनियर वेक्टर। ये ऐसे वेक्टर होते हैं जहाँ पर दो वेक्टर एक के ऊपर एक कॉन्साइड कर जाते हैं, दोनों के बीच का एंगल जीरो डिग्री का होता है। अगर हमारे पास एक वेक्टर है एंगल वेक्टर ए, अगर ये हमारे पास है वेक्टर है, तो वेक्टर बी जो होगा वो ठीक इसी के ऊपर आ जाएगा, वेक्टर बी ठीक उसी के ऊपर, तो इन दोनों के बीच का थीटा कितना होगा, एंगल जीरो हो जाएगा, दोनों सेम है ना, एक ही पॉइंट पर दोनों हैं, तो उसको कहते हैं कोलिनियर वेक्टर, दे कॉन्साइड विद द ईच अदर। अगला है कोप्लेनर वेक्टर, कोप्लेनर का मतलब दे हैव अ सेम प्लेन, कोप्लेनर वेक्टर। पहला वेक्टर अगर एक्स वाई एक्सिस पर है तो दूसरा वेक्टर भी एक्स वाई एक्सिस पे होगा, तो इन दोनों वेक्टर को हम कहेंगे कोलिनियर वेक्टर, बोथ है बोथ आर इन सेम प्लेन, जब दोनों सेम प्लेन में होगा तो ऐसे वेक्टर को कहेंगे कोप्लेनर वेक्टर। दोनों एक ही प्लेन पर, हाँ दोनों अगर एक्स 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 वाई एक्सिस पे तो एक्स वाई एक्सिस पे, वाई जेड एक्सिस पे तो वाई जेड एक्सिस पे, जेड एक्स एक्सिस पे तो जेड एक्स एक्सिस पे। कोप्लेनर में आपको टू डायमेंशन सिस्टम बनाना है, ऐसे हम बनाते हैं ना अपना कोऑर्डिनेट का सिस्टम। अगर कोई वेक्टर इधर रिप्रेजेंट हो रहा है एक्स और वाई के बीच में कहाँ पर, तो इसको बोलते हैं एक्स वाई प्लेन में ये वाला वेक्टर है। कोई वेक्टर इधर रिप्रेजेंट कर देते तो जेड है गया ना, तो ये एक्स जेड पर रिप्रेजेंट कर रहा है। कोई वेक्टर इधर रिप्रेजेंट कर दो तो ये वाई जेड पर रिप्रेजेंट कर रहा है। और दो वेक्टर अगर इधर ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये दोनों वेक्टर कोप्लेनर हो गए, दोनों वाई जेड जो दोनों जो है एक्स वाई एक्सिस पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक ही प्लेन होना चाहिए। ठीक है, बस ये बोर्ड है तो ये बोर्ड हमारा एक प्लेन पर है, हमारा ये जो सर्फेस एक प्लेन पर है, रूफ अलग प्लेन पर है ना, सब कुछ अलग अलग प्लेन पर है, ये बॉल अलग प्लेन पर है ना। तो कोलिनियर एग्जांपल क्या होगा, कोलिनियर उसी के ऊपर, उसी के ऊपर हाँ। आपको ये जो पढ़ेंगे हम लोग ना कोप्लेनर वेक्टर, ये हम लोग अभी जब अपना निकालेंगे ना पूरा प्रोजेक्टाइल वगैरह तो सब पढ़ेंगे एक ही डायरेक्शन में ना, इसमें थर्ड डायरेक्शन ट्रैवल नहीं होगी आपकी। कैरम बोर्ड खेलते हो तो आपका कैरम बोर्ड का जितना भी कॉइन्स होता है किधर जाता है, बस उसी पे रहता है ना, उड़ता थोड़ी है, उड़ेगा तो थर्ड एक्सिस आ जाएगी, उसी पर आप चल रहे हो ना, वो कोप्लेनर वेक्टर। नाइन्थ है कोइनिशियल वेक्टर, कोइनिशियल का वेक्टर दो वेक्टर हो और दोनों का ओरिजिन सेम पॉइंट पर हो, दोनों का ओरिजिन सेम पॉइंट पर हो तो इसको कहते हैं सेम ओरिजिन, तो ये हो जाएगा कोइनिशियल वेक्टर, को। टेंथ है कोटर्मिनस वेक्टर, कोटर्मिनस वेक्टर। कोटर्मिनस वेक्टर का मतलब क्या होता है, दोनों का हेड जो होगा ये आपस में आके कंबाइन कर जाएगा, मतलब दोनों वेक्टर का जो इंड पॉइंट है वो सेम होगा, दोनों वेक्टर का हाँ हेड आकर के यहां कंबाइन कर जाएगा। दो वेक्टर अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे थे और दोनों का टर्मिनल जो है एक तरफ आ गया, नहीं महाभारत में रामायण में से आकर के लड़ जाते हैं दोनों धनुष, वही है को टर्मिनल वेक्टर, दोनों के डायरेक्शन टर्मिनेट हो जाते हैं एक तरफ आकर के, ऐसे भी बना सकते हो, इसको बोलते हैं को टर्मिनस वेक्टर। बोथ है सेम टर्मिनेशन पॉइंट, सेम
सेम टर्मिनेशन पॉइंट। लास्ट वेक्टर है जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर इंटरेस्टिंग है, जीरो वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है, और इसकी डायरेक्शन जो होती है आर्बिट्रेरी होती है, मतलब अंदाजे पे रखी जाती है, डायरेक्शन जो है आर्बिट्रेरी होती है। जीरो वेक्टर, अब जीरो वेक्टर है ही क्या, जब जीरो वेक्टर तो जीरो मैग्नीट्यूड तो रखते क्यों है। जीरो वेक्टर का असल में यूज बहुत ज्यादा है। अगर मान लो तुम चलना शुरू किए, हाँ, और तुम जब चल रहे हो और तुम अभी ओरिजिन से स्टार्ट कर रहे हो चलना, जीरो पॉइंट तुम्हारा ओरिजिन पर है, तो जो वेक्टर तुम्हें यहाँ पर रिप्रेजेंट कराएगा उसका नाम क्या होगा, जीरो वेक्टर। अगर तुम चलना शुरू किए और इस ग्राफ पर तुम अपने पोजीशन वेक्टर को दिखा रहे हो तो तुम हो खुद ही ओरिजिन पर हो, जब तुम खुद ही ओरिजिन पॉइंट पर हो गए, जब तुम खुद ही स्टार्टिंग पॉइंट पर, तुम्हारे पास वेक्टर क्या है, तो जीरो वेक्टर। क्या है, जीरो वेक्टर। अब मान के चलो हुआ क्या कि तुम चलना चाहते हो, ठीक है, डायरेक्शन ओरिजिन पे क्या डायरेक्शन होगी, तीनों कंबाइन हो जाता है ना, आर्बिट्रेरी डायरेक्शन रखता है, नहीं कहाँ डिसाइड होगा, कैसे होगा डिसाइड, ओरिजिन पर है ना। अब मान लो क्या हुआ, तुम तब अपनी वेलोसिटी चेक कर रहे हो जब तुम रुके हुए हो, जब तुम रुके रहोगे तो वेलोसिटी का वेक्टर कहाँ होगा तुम्हारे पास, अगर आप स्टेशनरी हैं, अगर आप रेस्ट पोजीशन पर हैं और आप वेलोसिटी का वेक्टर बनाना चाहते हैं, तो वी वेलोसिटी आपका रेस्ट वेक्टर पे कहाँ पे होगा, सब तो जीरो पे ही होगा ना, और कहाँ पर कोई चीज़ जीरो होती है। अगर आपकी बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही हो, सेम स्पीड से अगर आपकी वेलोसिटी चल रही हो, वेलोसिटी में ना तो इंक्रीज़ है ना तो डिक्रीज़ है, तो एक्सेलरेशन तो है नहीं बॉडी के पास, एक्सेलरेशन है ही नहीं, तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है। जब आपको एक्सेलरेशन जीरो रिप्रेजेंट करना हो, जब आपको वेलोसिटी जीरो रिप्रेजेंट करनी हो, जब आपको अपना अपना पोजीशन जीरो रिप्रेजेंट करना हो, तो आप किसका यूज़ करोगे, जीरो वेक्टर का। जब आपके पास पोजीशन जीरो हो गया, वेलोसिटी जीरो हो गई, एक्सेलरेशन जीरो हो गया, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी जीरो हो गया, हो सकता है ना फोर्स लगा हो, एक्सटर्नल फोर्स जीरो लग रहा है किसी बॉडी पर, तो ऐसे के लिए हम इस्तेमाल करते हैं जीरो वेक्टर का। तो हमारे लिए यूजफुल जो क्वांटिटी है वो है कि यूनिट वेक्टर और दूसरा है जीरो वेक्टर। मोस्टली जो है हमारे पास यूनिट वेक्टर का हमें ज़्यादा काम पड़ेगा आगे, यूनिट वेक्टर अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग होते हैं। यूनिट वेक्टर अगर एक्सिस के हिसाब से देखोगे, कोऑर्डिनेट के हिसाब से, तो हमारे पास तीन कोऑर्डिनेट होते हैं, एक्स वाई और जेड। तो एक्स एक्सिस के लिए यूनिट वेक्टर लगाते हैं आई कैप, हाँ, वाई एक्सिस के लिए लगाते हैं जे कैप, और जेड एक्सिस के लिए लगाते हैं के कैप। इन तीनों का मैग्नीट्यूड जो होता है वन के बराबर होता है, तीनों जो है वो सेम वेक्टर हैं, तो मैग्नीट्यूड जो है बराबर होगा। तो अगर आप लिखोगे कि आई कैप, जे कैप और के कैप, किसी भी वेक्टर को मॉड में लिख दिए तो क्या बन गया, मैग्नीट्यूड बन जाता है। क्या बन जाता है, कोई भी वेक्टर मॉड में है तो मैग्नीट्यूड वही पढ़ रहे थे ना वहाँ पे, मैग्नीट्यूड। तो इन सब की मैग्नीट्यूड किसके बराबर आ जाती है, वन की। तो यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड वन के बराबर है। इसका यूज़ क्या करते हैं, आई जे के है तो आई हमको एक्स एक्सिस दिखाएगा, जे हमको वाई एक्सिस, और जेड हमको के हमको जेड एक्सिस बताएगा। तो ये सब हमको डायरेक्शन दिखाने के लिए काम आते हैं। जीरो वेक्टर डायरेक्शन दिखाने के लिए नहीं आता है, लेकिन जीरो वेक्टर ऐसे ऐसे चीज़ों को रिप्रेजेंट करने के लिए आता है जिसकी वैल्यू खुद ही जीरो, आप स्टार्ट करने जा रहे हो तो वैल्यू जीरो है, आप रेस्ट पे हो तो आपकी वेलोसिटी जीरो है, यूनिफॉर्म मोशन में चल रहे हो तो आपके पास कोई एक्सेलरेशन नहीं, एक्सेलरेशन जीरो है। उस टाइम पर जब आपको रिप्रेजेंट करना है क्वांटिटी को, तो आप जीरो वेक्टर से रिप्रेजेंट करोगे।